पूछे, क्या बात बच्चों, तालियां बजा के। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम हमेशा आपके साथ होते हैं हर वीक में, और हर बहुत ही प्यारे से डे में हम आपके साथ होते हैं, आपके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। और हमारे साथ होती है हमारी बहुत ही प्यारी सी टीम, जिसमें होते हैं शामिल अंकल। क्लैपिंग होनी चाहिए जी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं, हमें बहुत ही फन क्रिएट करते हैं हमारे इस एपिसोड में, न्यू एपिसोड में नए रंग भरते हैं। और इसके साथ साथ हमारे शो की जान, हमारे शो के सबसे बड़े वाले रंग अंकल हालपुर हमारे साथ होते हैं। कैसे हैं आप लोग बच्चे? बिल्कुल ठीक हैं। कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ भाई। अच्छा अंकल हालपुर, ये आपकी थोड़ी मूछें आज बड़ी बड़ी लग रही हैं, थोड़े बाल भी बड़े हो गए हैं। असल में लॉकडाउन था ना, अब लॉकडाउन खत्म हुआ तो अब जाएंगे जरा बाल शाल ठीक करवाएंगे। अच्छा अच्छा, वाह भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे शो में एक बहुत ही प्यारी सी और क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी और कलरफुल और दो डिफरेंट कलर्स में बहुत ही प्यारी प्यारी क्यूट सी बेबीज भी होती हैं, जो कि हमारे साथ बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करती हैं अपनी बहुत छोटी सी और प्यारी स्वीट सी आवाज में। जी तो मैं बात कर रही हूँ चिंकी मिंकी की। अस्सलाम वालेकुम चिंकी मिंकी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, बस गर्मी बहुत है। हाँ बिल्कुल, आज तो बहुत गर्मी है। अच्छा तो चिंकी मिंकी, आपका लॉकडाउन कैसा गया और अभी आप क्या कर रही हैं इन दिनों में? मुझे तो सोने की आदत पड़ गई है, बस कुछ था ही नहीं करने को तो मैं सो जाती थी। अच्छा बेटा, चिंकी मिंकी जब से मगरमच्छ के साथ बैठी है इनको भी नींद आती रहती है, सुस्त हो गई है। कुछ ये भी बात है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे शो में, हमारे इस प्रोग्राम में एक और बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही थोड़ी सुस्त है, वो जो हमारा करेक्टर है इस हमारे बहुत ही प्यारे से शो का, लेकिन वो भी बहुत अच्छे हैं और हमारे इस शो में बहुत सारे कलर्स फिल करते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं। जी तो हम बात कर रहे हैं मिस्टर अगर मगरमच्छ की। कैसे हैं आप? काशियो मानोर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप ठीक हो? आज बच्चों को बताओ मैंने आपका मेकअप कैसा किया है। बच्चों मानोर का मेकअप अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आप जितनी भी कोशिश कर ले सब मेरी तारीफ ही करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और हमारे शो के एक बहुत ही प्यारे से करेक्टर, माय ओन फेवरेट करेक्टर ऑफ दिस शो, ऑफ दिस प्रोग्राम, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा खुश करते हैं और हमारे मुंह पे प्यारी सी स्माइल लेके आते हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, तो मैं बात कर रही हूँ मिस्टर डट्टू मियाँ की। वेलकम टू अंकल हालपुर शो। थैंक यू अंकल हालपुर। और मैडम मानूर, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? देखिए मेरे साथ खड़े हो के आप ठीक ही रहते हैं माशाल्लाह, दोनों है ना। देखे ना, आप बताएं कैसा रहा आपका लॉकडाउन? मेरा लॉकडाउन बहुत अच्छा था और समटाइम्स बहुत स्ट्रेंज भी था, लेकिन इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और yes. मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। अच्छा माशाल्लाह, एक तो आपने स्वेटर बनाना सीखा और दूसरा क्या सीखा है आपने? मैंने गाड़ी चलाना सीख ली है, मैंने बहुत सारा कुछ पकाना सीख लिया है मम्मा के साथ, और भी बहुत सारी क्रिएटिविटी सीखी है और भी बहुत सारी की। आप बताएं कि आपने क्या क्या सीखा है? मानूर मैंने भी गाड़ी चलाना सीखी है, पता है कैसे? अच्छा, धागा बांध के चलाता हूँ, इतनी तेज चलाता हूँ आपको पता ही नहीं है। अच्छा डड्डू मियां, ये बताओ कि जो गर्मी पड़ रही है आजकल पूरे पाकिस्तान में, क्या करें इस गर्मी का, क्या है भाई गर्मी बड़ी खतरनाक। वैसे ये हंसी वाली बात है अंकल आलपुर, मुझे तो गर्मी का पता ही नहीं, मैं 24 घंटे रहते ही पानी में हूँ, ठंडे जैसे थोड़ी सी गर्मी लगते पड़क करके पानी के अंदर। लेकिन डड्डू मियां अभी तो इतनी गर्मी है अंकल हालपुर, हम लोग देखते हैं कि इतनी ज्यादा धूप है आजकल, 45, 44, 46 डिग्री तक जा रहा है इस्लामाबाद पिंडी में, और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है जिसकी वजह से हमारे जो कूलेस्ट एरियाज हैं
वो भी वहाँ पे भी इतनी गर्मी पड़ी है और सब लोग बहुत परेशान हैं। तो दोस्तों आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस गर्मी से बचें, और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि ये जून जुलाई है और हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स भी ओपन कर दिए हैं, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त स्कूल में बेहोश हो रहे हैं, उनके उन पर बहुत ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। सो हमारी पूरी हालपुर अंकल हालपुर की टीम की तरफ से और K2 चैनल की तरफ से हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि आप लोग स्कूल्स को क्लोज करें, बिकॉज ये जून जुलाई है, वैसे भी आम डेज में इसमें छुट्टियां होती हैं, ये बहुत ही गर्मी है ना अंकल हालपुर। मानूर बेटा, हम तो मैं अंकल हालपुर और मेरी टीम और K2 की तरफ से अंकल शफकत से कहेंगे कि थोड़ी शफकत दिखाएं और छुट्टियां दें भाई बच्चों को। बिल्कुल, जहां इतनी सारी छुट्टियां मिली। जी मानूर बेटा, पता है क्या, अंकल हालपुर भी बड़े चलाक है। चिंकी पिंकी ने कहा मुझे गर्मी लगती है, तो अंकल हालपुर ने उन्हें एसी लगा दिया। मैंने कहा मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे कहते जाओ 10 रुपए लो टेंट करा के ले आओ। और मालूम बेटा, आज तो मेरे घर पे यहाँ पे अंदर एसी भी खराब है, इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। कोई बात नहीं, हम फरत अंकल से कह के आपको एक नया एसी लगवा देंगे। प्लीज 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 जी। और आपको पता है आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा? जी भाई, आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात हमने करनी है उन बच्चों से जो घर बैठे हुए हैं और जो यहाँ पे आए हुए हैं, कि जब हम पार्क्स में जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो चिप्स खा के, बिस्किट्स खा के, उनके कचरे जो हम जो रैपर्स होते हैं कचरा, वो जगह जगह फेंकते हैं, इट इज वेरी वेरी बैड। ऐसे नहीं करना बेटा। अंकल हालपुर, वैसे तो बच्चे बेचारे 1.5 साल से पार्क के बंद है, गए नहीं है, है ना, जब आप जाएंगे ना तो तब इंशाल्लाह ख्याल रखेंगे बच्चे, है ना। अरे बच्चे भी जाते हैं सड़क के किनारे भी फेंक देते हैं गाड़ी से बाहर, मैं खुद कभी दफा देखा है मैंने, तो रिक्वेस्ट है कि भाई कचरा ऐसे नहीं फेंकना। मानूर जी देखिए, कहते हैं सफाई का खास ख्याल रखें, मैंने एक घर से सफाई की, उन्होंने मेरे पे पर्चा करा दिया। अच्छा। सारा सामान ही उठा के ले गए आप। क्यों? तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, अंकल हालपुर ने आपको बताया कि हमें सफाई का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने पब्लिक प्लेसेस को बहुत ही ज़्यादा साफ रखना है, बिल्कुल गंदा और ये रबिश जो हमारा होता है, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, चिप्स खाते हैं, कुछ भी एनीथिंग जो हम खाते हैं उसे हम वहीं फेंक देते हैं, और बहुत ही गंदगी हो रही है पाकिस्तान में। हमें चाहिए कि हम लोग अपने पाकिस्तान को सेफ एंड क्लीन करें, अपने पाकिस्तान में बहुत सारे पौधे लगाएं, है ना दोस्तों? आप लोग क्या चाहते हैं अपने पाकिस्तान के लिए? माइक किधर है जी? माइक तो दे दें, थोड़ी सी बात भी तो करने दें, ये लें। तो आप बताएं कि आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान में सफाई कैसे होनी चाहिए? अच्छा, इनको कहे पार्क की सफाई, अब्बू की जेब की सफाई का ना पूछना। असल में मालूम बेटा, डड्डू को इसलिए परेशानी है, जब कचरा बच्चे नहीं फेंकेंगे तो डड्डू मियां क्या खाएंगे? नहीं, मेरा आ जाता है फूड। अच्छा, हम लोग जब भी पार्क जाएं तो जो भी चीज़ खाएं उसके रैपर डस्टबिन में फेंकें। और कार से बाहर कोई भी रैपर ना फेंकें। बिल्कुल। और रोड पे भी कभी रैपर ना फेंकें। क्लैपिंग करें जी। बड़े स्मार्ट बच्चे हैं भाई, वाह वाह। उनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? शानजे तारिक। सॉरी, शानजे तारिक। शानजे, कौन सी क्लास में है? तालियां, वेलकम टू अंकल हालपुर शो। अभी ना 7 और 8 के मिड में हूं। 7 और 8 के मिड में है, बिल्कुल सब लोग ही ऐसे ही हैं, अभी मिड में चल रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपको क्या आता है, क्या आपकी करिकुलर एक्टिविटीज हैं, आपने कोविड में क्या सीखा? कुकिंग। कुकिंग, वाओ, इट्स टू गुड। अच्छा, क्या बनाती हो? अच्छा, मैं पिज्ज़ा बना लेती हूँ, कपकेक्स बना लेती हूँ। भाई मुझे भी खिलाओ, अंकल हालपुर देखे अकेले अकेले खा जाती है। देखिए भाई माधुर बेटा, बात ये कि शेयरिंग इज केयरिंग। एग्जैक्टली। अच्छा जी जी, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स आते हैं, आप लोग अगर आना चाहते हैं हमारे शो में, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे नीचे जो लिंक आ रहा है उसे विजिट करें, हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारी टीम आपको ज़रूर इन्वाइट करेगी। आप लोग ज़रूर आएँ हमारे शो में, क्योंकि यहाँ आके सबको बहुत अच्छा लगता है, सब बहुत इंजॉय करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है नए नए फ्रेंड्स से मिलके, नई नई बातें करके। तो दोस्तों क्यों नहीं, आप लोग भी जरूर आएं। मानूर बेटा जी, मैं अपना ना एक व्हाट्सएप या बल्कि इंस्टाग्राम पे अंकल हालपुर का पेज बनाना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताना है कैसे, फिर बच्चे सारे उसको लाइक करेंगे अंकल हालपुर का पेज। बिल्कुल जरूर आएंगे हमारे पास। एग्जैक्टली, हम जरूर बनाएंगे और आप फिर उसको विजिट कीजिएगा, और ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी। उससे पहले हमें लेना है एक शॉर्ट सा ब्रेक, तो कहीं मत जाइएगा, हम ऐसे गए और ऐसे आए।
आपको पता है कि आज का हमारा जो शो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ हमेशा बहुत ही प्यारे प्यारे और स्पेशल और बहुत ही अच्छे बच्चे होते हैं, और हम इनसे बहुत सारी बातें भी करते हैं और हमारी टीम भी होती है, और हमारे पास होता है एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं अपने कुछ और फ्रेंड्स से और उनसे पूछते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कोविड के बारे में, या फिर कलर्स के बारे में, या फिर ड्रेसिंग के बारे में। स्कूल में क्या करते हैं, कोई सॉन्ग, कोई एक्टिंग, कोई परफॉर्मेंस, कोई डिबेट, कोई कंपटीशन, कोई करिकुलर एक्टिविटीज। अच्छा, आपका नाम क्या है? हानिया। हानिया कौन सी क्लास में? मैं 7th और 8th में। अच्छा, पहले तो हानिया के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। वेलकम टू अंकल हारपुर शो। थैंक यू। एंड ऐसे ही आते रहें, हमें ज्वाइन करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा हानिया, ये बताएं कि आप स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती हैं? यस। yes. अच्छा, क्या करना आपको अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा? डिबेट्स वगैरह में स्पीच और टैबलो वगैरह। वाओ, अमेजिंग। बच्चों को ये भी बताएं कि क्लास में ज्यादा शोर भी नहीं करना चाहिए। exactly, ना? क्योंकि वो बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट कर देते हैं। हमें खामोशी से बैठना चाहिए, फ्रेंड से बात करनी चाहिए, लेकिन उन तक आवाज जाए, मैम तक ना जाए, क्योंकि फिर हमारी वजह से पूरी क्लास की इंसल्ट हो जाती है। yes. एग्जैक्टली। अच्छा, तो डड्डू डड्डू से पूछे ना, शरारते कोई और करता था क्लास में और पिटाई ठुकाई डड्डू की होती थी। क्यों डड्डू भैया? बस आपको पता है शरीफ आदमी की नहीं है, तालियां होनी चाहिए शरीफ आदमी के लिए। अच्छा, तो आप हानिया बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगी या कुछ शेयर करना चाहेंगी अपने स्कूल के बारे में या अपनी किसी भी एक्टिविटी के बारे में? स्कूल के बारे में तो ये शेयर करना चाहूँगी कि अभी तक तो एग्ज़ाम्स वगैरह का है। हाँ जी, अभी तो स्कूल प्रॉपर खुले नहीं है, पता नहीं कि कब बंद हो जाएंगे स्कूल। तो आपका स्कूल खुल चुका है या अभी नहीं खुला? हाँ, खुल चुका है, अभी 2 days हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि स्कूल जा रहे हैं? आपको क्या लगता है कि स्कूल्स ओपन होने चाहिए, जैसे कि अभी वेदर बहुत ज़्यादा गर्मी आप मानोर आप हानिया से पूछ रहे हो स्कूल खुल गया या नहीं खुल गया? स्कूल की चाबी हानिया के पास होती है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ स्कूल्स खुल गए हैं और कुछ स्कूल्स नहीं खुले, जैसे कि मेरा स्कूल नहीं खुला, हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, एंड इट्स सो मच गुड, बिकॉज जो आजकल के हालात चल रहे हैं गर्मी, जिसकी वजह से हम घर से बाहर नहीं जा सकते, अपने रूम से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर स्कूल जाना तो बहुत ही मुश्किल है, और स्कूल में बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। हानिया बेटा, डिबेट में आप क्या, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आपको पसंद है डिबेट करना? मुझे साइंस पर और जिस टॉपिक पर भी हो। अच्छा, कर लेती हो, बोल लेती हो। अगर आपको डड्डू पे बोलना हो तो आप क्या बोलेंगी? डड्डू के बारे में क्या बोलेंगी? डड्डू के बारे में क्या बोलेंगी? डड्डू बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत प्यार करता है, मियां बहुत सारी बातें करते हैं। एग्जैक्टली, और सबको एंटरटेन करते हैं। एग्जैक्टली, और बहुत स्वीट है। एग्जैक्टली, पानी में रह के भी नहीं नहाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, क्लैपिंग होनी चाहिए हानिया के लिए। जी, तो दोस्तों इसी तरह हम अपने बहुत सारे फ्रेंड से बातें करते रहते हैं, इनको सिखाते रहते हैं, कुछ इनसे सीखते भी रहते हैं, और इससे हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हासिल होता है, कि आई होप आप सब लोग भी बहुत इंजॉय करते होंगे। तो दोस्तों हमें लेना है एक छोटा सा सॉन्ग अपने साथ, जिसके बारे में अंकल हालपुर आपको बताने वाले हैं। भाई आज का बड़ा मजे का हमारा सॉन्ग है, और आपको बेटा बच्चों को बताना है कि अब तो इस्लामाबाद में जू बंद हो गया है, लेकिन जू में बड़ा मजा आता है। आज बहुत सारे बच्चे अपने दादा के साथ जू में जा रहे हैं घूमने। जू में कौन कौन से जानवर होते हैं बच्चों, बताओ? जू में कौन कौन जाते हैं? बच्चे सभी जाते हैं। शेर होता है, लोमड़ी है, हाथी है, बंदर है, और आज तो हमने डड्डू को भी एक पिंजरे में बंद किया है। जी मानूर, अंकल हालपुर भी ना चिड़िया घर में गए थे, इन्होंने कहा जी मैंने ना मंकी को देखना है। उन्होंने कहा ठहरे इधर रुके, हम मंकी को ले आते हैं। वो कह रहे हमने अंकल हालपुर को देखना है। भाई अच्छा बेटा, हंस लो, जोक था डड्डू का ना, हंस लो। तो बात ये है बच्चों के जू जो है ना, कई कई अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जू बड़े बड़े होने चाहिए, जिस तरह नेशनल पार्क्स होते हैं। exactly. जानवरों को आजाद घूमना चाहिए, जैसे हमारी चिंकी मिंकी घूमती रहती हैं। yeah. तो आइए बच्चों देखते हैं, आओ चल रहे हैं हम सैर करने चिड़िया घर। एक मिनट एक मिनट डड्डू मियां, एक बात और। कौन सी वाली? भाई देखो, नाम रखा है हमने चिड़िया घर, और मजे की बात है मालूम बेटा, उसमें चिड़िया तो होती ही नहीं है, है? हाँ, बिल्कुल सोचने वाली बात है ना। तो बच्चों आए हम देखते हैं, आज बड़ी जबरदस्त पपेट से बनाई है एक स्टोरी, और मानूर बेटा उसमें सॉन्ग भी है, म्यूजिक भी है ना। वाओ, स्टोरी है बड़े मजे की, और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं घुमाने
जू चिड़ियाघर की सैर तो चले। लेट्स गो। मुन्ना गुड़िया पप्पू गुड्डू बाजी भैया और पिंकी शाम होते ही सबने पकड़ी तैयारी सैर को जाने की। लेकिन सैर करने जाएं कहां, सबकी राय थी यहां और वहां। मगर मंजूर हुआ चिड़िया घर का इरादा कि मशवरा देने वाले थे बच्चों के दादा। चलो जी सब चिड़िया घर रवाना हुए जानवरों के बारे में तजस्सुस लिए। दाखिल होते ही पहली मुलाकात शेर से हुई। शेर बोला तुम आए मेरे पास बहुत मेहरबानी, आओ बच्चों सुनाऊं तुम्हें यहाँ की कहानी। बच्चे बोले हम सुनेंगे आपसे जरूर कहानी, पर राह देखती है अभी मोर की रानी। शेर ने उनकी बात मानी, सैर थी बाकी और शाम सुहानी। आगे मिला बंदर जो था घर के अंदर, और बाहर उसके घर से लटकी हुई थी चमगादड़। की खातिर बच्चों ने बंदर की खिला के उसको भुने हुए चनों की। ये देख के सोचने लगी लोमड़ी जो थी राह के बीच में खड़ी कि इसकी खातिर में होगी रेवड़ी, मगर दादा की नजर घरी बड़ पड़ी। दादा बोले जल्दी जल्दी मिल लो सबसे और सुन लो इन सबके किस्से, चलते हैं घर को अब कबल इसके कि हो जाए शब। बच्चे बोले दादा अभी तो जानवर और भी हैं, हाथी लंगूर और मोर भी हैं, फिर आएंगे दोबारा, दादा ने कहा अभी तो अंधेरा हुआ कि हुआ। करके वादा बच्चे जानवरों से दोबारा आने का जिनसे अभी मिल ना सके, सब वापस अपने घर को चले। जी तो दोस्तों आपने देखा एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी को आपने देखा जो कि जू की स्टोरी थी और बहुत ही प्यारी थी। अच्छा हम अपनी किसी एक फ्रेंड से पूछते हैं कि जू में कौन कौन से जानवर होते हैं। बंदू के अलावा शेर, हाँ शेर, हाथी, हाथी, बंदर, बंदर और चिड़िया, और लोमड़ी, 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 डड्डू होता है, लोमड़ी, हाँ एटसेट्रा। ज़ेब्रा, मगरमच्छ, पहले क्लैपिंग होनी चाहिए जी। आपका नाम क्या है बेटा? मोर, मुझे बहुत प्यारा लगा था मोर। बिल्कुल, और आपने देखा वहाँ पे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट एनिमल्स थे। और आई थिंक कि हमारे जो पाकिस्तान में जू हैं वो बहुत छोटे हैं, गवर्नमेंट ने उनको बहुत कम स्पेस दिया है। नेशनल पार्क, बड़े पार्क होने चाहिए जानवरों के लिए। बिल्कुल, उनके लिए बड़े बड़े पार्क होने चाहिए ताकि वो लोग तंग ना हों, वो अपने एरिया में अच्छे से घूम सकें और खुश रह सकें, बिल्कुल स्केर्ड ना हों। हमें उनसे प्यार करना चाहिए और उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। और मानू बेटा जैसे हमारे डॉक्टर होते हैं, इस तरह पेट डॉक्टर वहाँ पे हर वक्त होने चाहिए इलाज के लिए। बिल्कुल, हम देखते हैं कि बहुत सारे जानवर होते हैं जो बीमार होते हैं और उनकी कोई भी केयर नहीं हो रही होती। सो हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि हमारे जितने भी जूज हैं उनको मेंटेन किया जाए, जैसे कि फॉरेनर्स करते हैं, फॉरेन कंट्रीज करती हैं जैसे अपने मुल्क में। डड्डू बोला डड्डू, जैसे कि मुझे भी खांसी लगी हो, मुझे कोई भी दवाई नहीं देता, देखे मेरे लिए भी डॉक्टर बुलवाओ ना। आप जू में थोड़ी हैं, आप तो आजाद हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपके लिए भी जरूर डॉक्टर बुलवाएंगे क्योंकि हमारे लिए आप बहुत ही ज्यादा स्पेशल हैं, है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कुछ और दोस्तों से। यस ओके, आपका नाम क्या है? नयान मुस्तफा। नयान, अच्छा ये बताओ कि कौन सी क्लास में हो? टू। टू में हो, अच्छा स्कूल्स ओपन हो गए? जी हो गए। अच्छा आपको क्या लगता है स्कूल्स ओपन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? गर्मी है ना, होने चाहिए। होने चाहिए क्यों?
मुझे पसंद है स्कूल जाना। भाई बच्चे मानू घर बैठ के बोर हो गए ना बेटा। हाँ, बिल्कुल, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बच्चों के लिए सेफ्टी करें और उनको अभी थोड़ी सी और छुट्टियाँ दे दें, कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है, हमारी पढ़ाई मेंटेन है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, बस आप थोड़ी सी और छुट्टियाँ दे दें ताकि ये मौसम सही हो जाए, उसके बाद हम ज़रूर पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे। और मानो बेटा मैंने देखा जूम में चिंकी मिंकी बड़ी दूर दूर से उड़ उड़ के आ रही थी, इनसे पूछे क्या था भाई वहाँ पे। अंकल हलपुर मैं तो जू के ऊपर उड़ती आजाद उड़ती रहती हूँ, मगर मैंने वहाँ डड्डू को भी देखा था। डड्डू वहाँ बच्चों के चिप्स खा रहा था, मैं छीन छीन के खा रहा था। पता नहीं डड्डू वहाँ रहता है या गया हुआ था। मैं वहाँ पे गया हुआ रहता नहीं हूँ, मैं रहता केटू और आपको पता है उधर रहता हूँ स्टूडियो के अंदर। हाँ। तो तालाब में रहती हूँ तो क्या होगा वहाँ पे। मानूर मुझे भी एक जानवर बहुत अच्छा लगा है। कौन? मेरा साथी बबर कुत्ता। मगरमच्छ होता है वो। अच्छा दोस्तों बातें तो होती रहेंगी, और आपको जैसे कि पता है कि हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे से मजीशियन अंकल, हमारे जो एक अंकल आते हैं जो कि हमें बहुत सारी गेम्स करवाते हैं। कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? अंकल नईम तालपुर आएंगे ना। सी सैड इन्हें पता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को भी पता होगा, तो हम बुलाते हैं अंकल नईम तालपुर को, तो बहुत सारी क्लैपिंग होनी चाहिए।